उमेश पाल अपहरण कांड में प्रयागराज की MPMLA कोर्ट में माफिया अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 1-1 लाख के अर्थदंड का आदेश भी दिया है। इस मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपितों को दोष मुक्त किया है। इसके अलावा कोर्ट ने 5,000 का अलग अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है। प्रयागराज जिले में 17 साल पूर्व हुए उमेश पाल अपहरण कांड में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अतीक उसके भाई अशरफ समेत 10 आरोपियों में से 7 को दोषमुक्त कर दिया है, जबकि अतीक, दिनेश पासी और खान शौकत हनीफ को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं अतीक के भाई अशरफ अहमद, जावेद, इसरार, फरहान, आबिद प्रधान, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज को दोषमुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट का फैसला सुनकर अतीक और अशरफ एक दूसरे के गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगे। उल्लेखनीय है कि सोमवार को अतीक अहमद को साबरमती जेल से, जबकि अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था। अतीक, अशरफ और फरहान को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से अलग अलग प्रिजन वैन के जरिए कोर्ट ले जाया गया। अतीक के कोर्ट परिसर पहुंचते ही पुलिस, PAC और RAF के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था। यहां पर कुछ वकील जूतों की माला लेकर कोर्ट परिसर पहुंच गए। उमेश पाल की हत्या से नाराज वकील ये माला अतीक को पहनाना चाहते थे। हालांकि कोर्ट के गेट से पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक लिया और वापस भेज दिया।